आखिर मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ था? हम अपनी वीडियो से हमेशा आपको कुछ नया सिखाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो राजा जयचंद की गद्दारी के कारण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। इसके बाद वह पृथ्वीराज चौहान और चंदर बरदाई को अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले गया। जाते जाते वह पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता और अन्य सुंदर दासियों को पकड़ने का काम उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। इसके बाद ऐबक अजमेर पहुँच गया। वहाँ पृथ्वीराज चौहान के किले की दीवारें काफी मजबूत थी और किले के बाहर एक खाई भी थी जिसे पार करना काफी मुश्किल था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी प्रलोभन दिया कि किले का द्वार खोल दिया जाए, लेकिन राजमहल की स्त्रियों ने एक ना सुनी और अंत में उसने अजमेर के नागरिकों की लाशों से उस खाई को पाट कर हाथियों से किले की दीवारों को तोड़ने लगा। कुतुबुद्दीन के इस आचरण को देख कर राजमहल की महिलाएं व्याकुल हो उठी और उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर की तैयारियां शुरू कर दी। जब काफी मशक्कत के बाद किले की दीवार टूट गई तो ऐबक ने अंदर देखा तो वहां चारों तरफ आग की लपट जल रही थी। महल में एक भी स्त्री का नामो निशान